हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर। आई एम लतिका। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा कि चाइना ने अपने डेवलपमेंट में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, क्या क्या पॉलिसीज लाई। तो वैसे ही हम इस लेक्चर में पाकिस्तान के बारे में देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे हम उसे इंडिया के साथ। तो अभी हम देखते हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज अ कंट्री इन साउथ एशिया। ये साउथ एशिया की कंट्री है और जैसा कि हमें पता है कि सार का मेंबर भी है क्योंकि साउथ रीजन में आता है। इट इज द वर्ल्ड्स फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद अ पॉपुलेशन एक्सिस्टिंग 212.7 मिलियन पीपल। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री, फिफ्थ नंबर पे आता है पॉपुलेशन के अंदर। एंड गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। जैसे कि हमें पता है इंडिया से एक दिन पहले ही इंडिपेंडेंट हुआ था पाकिस्तान। एंड 1971 में एक सिविल वॉर हुआ था जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो इंडिपेंडेंट होके बांग्लादेश बन चुका था। जैसे कि पहले जो ईस्ट में पाकिस्तान, जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है, और जो अभी जो पाकिस्तान है जो वेस्ट साइड में आता है, वो दोनों एक ही कंसिडर किए जाते थे। वो पाकिस्तान जो वेस्ट वाला है वो ईस्ट वाले पाकिस्तान पे भी अपना जोर चलाता था और उसे काफी कमजोर समझता था। लेकिन सिविल वॉर के बाद वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया और बांग्लादेश कंसिडर किया जाता है। और ये लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया के अंदर 33rd नंबर पे आती है। और इट्स हिस्ट्री हैज़ बीन कैरेक्टराइज बाय पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जो इसकी हिस्ट्री है ना, जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम की जो इसकी हिस्ट्री है, वो उसमें सिर्फ यही देखा गया है कि वहाँ पे कभी तो मिलिट्री रूल हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। कभी सरकार बन रही है, कभी कोई रूल आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, मतलब मिलिट्री रूल है, कभी सरकारी मतलब तो गवर्नमेंट रूल है। तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी देखी गई थी। इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। फर्स्ट इंडोनेशिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, एंड सेकेंड पाकिस्तान के अंदर है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो उर्दू है, लेकिन नहीं सॉरी, इसकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो तो उर्दू है, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश को कंसिडर किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब वो जहाँ के वो लैंग्वेज जो वहाँ पर वर्क के लिए यूज है, ऑफिशियल वर्क में यूज है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश है वहाँ की। तो अभी हम थोड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा सेम सेम रिफॉर्म्स लाए, सेम सेम पॉलिसीज अपनाई। तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अपनाया गया। पाकिस्तान फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल विद कोएक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मतलब दोनों को इक्वल इंपोर्टेंस मिली गई, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को। इम्पोर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970s। मतलब जब 1970s की बिगनिंग में जो पब्लिक सेक्टर था ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। तो नेशनलाइज कर दिया गया ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री टुक प्लेस। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो कोलगेट बनाने की जो मशीन है, कोलगेट बनाने की जो मशीन है, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जो मशीन है ना जिससे तुम टूथपेस्ट बना रहे हो, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाएगी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही बनाएगा। तो वहाँ पे नेशनलाइजेशन हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस टू रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लेट 1970s। मतलब जब 1970s खत्म होने वाला था, तब इन द लेट 1970s देयर वॉज अ शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी में काफी चेंज हुआ, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल इंपॉर्टेंस मिलने लगी। प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर डीनेशनलाइजेशन ला दिया। मतलब कि उन्हें भी अलाउ कर दिया कि हाँ, तुम कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हो, बना सकते हो। और उन्हें काफी एनकरेज किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट हो, ताकि उनकी ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। उन्हें बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए, जैसे कि टैक्स में उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला टैक्स में, और उन्हें मतलब बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए, काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह। इंसेंटिव्स में यही आता है कि टैक्स में रिलीफ मिला, उन्हें डिस्काउंट वगैरह दिए गए, और उन्हें बहुत एनकरेज किया गया कि तुम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करो। अब जो फाइनेंशियल सपोर्ट था, वो भी उन फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ गई पाकिस्तान को इन लेट 1970s। तो पाकिस्तान ने बहुत सारी कंट्रीज से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया, जैसे कि जो वेस्टर्न नेशंस है, अमेरिका, चाइना, उनसे चाइना को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। चाइना ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये देखते हैं हम क्या है। रिमिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स टू द मिडल ईस्ट, दीज हेल्प द कंट्री इन स्टिम्युलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब
देखिए रिमिटेंस का यहाँ पे सीधा सा मतलब है ट्रांसफर, और जो इमिग्रेंट्स है उसका मतलब ये है कि जैसे जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के जो लोग है ना, वो दूसरी कंट्रीज में जाकर वर्क करते थे, तो वो वहां से जो भी उनकी जो भी सैलरी थी या फिर जो भी उन्हें पैसा मिलता था उनके वर्क करने के बदले में, वो पाकिस्तान में वापस भेजते थे अपनी फैमिली के लिए। तो इससे भी पाकिस्तान की ग्रोथ हुई। एंड नेक्स्ट उसने ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी इंडिया ने भी प्रस्यू किया था और पाकिस्तान ने भी। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका मतलब हमें पता है कि जो भी बहुत सारी इरिगेशन टेक्निक्स लाना और जो हाई येल्डिंग सीड्स हैं उन्हें यूज कर कर अपने जो क्रॉप प्रोडक्शन उसमें इंक्रीमेंट लाना, फर्टिलाइजर्स का यूज करना। तो इन केस ऑफ एग्रीकल्चर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू रेज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, दीज चेंज द एग्रीन इकोनॉमी स्ट्रक्चर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसमें काफी बदलाव आए, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैं आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए। एंड थैंक यू सो मच।